डियर इन्वेस्टर्स, प्रोसेनजीत पॉल हेयर। इस वीडियो में हम बहुत आसान लैंग्वेज से शेयर बायबैक के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो का जो वॉइस है वो पूरा हिंदी पे रहेगा, बट द टेक्स्ट एंड विजुअल्स विल बी इन इंग्लिश, सो दैट बोथ हु आर कंफर्टेबल इन इधर हिंदी और इन इंग्लिश बोथ कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट मेंशन्ड इन द वीडियो वेरी वेल। तो हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शेयर बायबैक क्या होता है, फिर शेयर बायबैक का तरीका क्या क्या होता है, आप एज एन इन्वेस्टर कैसे शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, रीजंस क्या है, कंपनी क्यों शेयर बैक करता है, और दूसरा बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब आप जैसे शेयर होल्डर्स उसका बेनिफिट क्या है जब कंपनी शेयर बायबैक अनाउंस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। तो सब कुछ हम बायबैक के बारे में कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि शेयर बायबैक होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज पे बायबैक का मतलब क्या है कि कंपनी अपना शेयर्स खुद खरीद रहे। ये देखिए मैंने दो चार्ट में बहुत आसानी से समझाया कि जैसे देखिए मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के पास उसका कंपनी का 100 शेयर्स है। अब उस 100 शेयर्स में प्रोमोटर्स के पास 60 शेयर्स से 60 और पब्लिक मतलब जैसे मैं आप फिर म्यूचुअल फंड्स FII बैंक्स ये सब जो पब्लिक इन्वेस्टर छोटा मोटा बड़ा सब कुछ मिलके उनके पास 40 शेयर्स है। तो एक चीज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन में देखता हूँ बहुत इन्वेस्टर्स में होता है। तो बायबैक का मतलब ऐसा नहीं कि आपसे शेयर प्रोमोटर खरीद लेता है, आपसे शेयर कंपनी खरीद लेता है। यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी प्रोमोटर ये अलग एंटिटी है, ऐसा नहीं है कि जो ही कंपनी है वही प्रोमोटर है, कंपनी एक अलग एंटिटी हो गया। अब प्रोमोटर भले ही वो एक पर्सन हो या एंटिटी हो तो वो अलग हो गया, और मतलब प्रोमोटर आप जैसे शेयर होल्डर सब एक कैटेगरी में पकड़ लीजिए शेयर होल्डर, और कंपनी एक अलग एंटिटी। तो मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर है और कंपनी ने अनाउंस किया हम 10 शेयर उसमें से बायबैक करेंगे। तो 10 शेयर बायबैक करने से क्या होगा, ये जो पब्लिक के पास जितना 40 शेयर है, मान लीजिए 40 शेयर से 30 शेयर कंपनी ले लिया बायबैक कर लिया, तो जैसे ये 10 शेयर जैसे चला गया तो कंपनी के पास रह गया 90 शेयर। और कई कबार क्या होता है कि प्रोमोटर्स भी बायबैक में पार्टिसिपेट करता है और कई कबार प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर प्रोमोटर्स उसमें पार्टिसिपेट किया तो भी प्रोमोटर्स का शेयर मान लीजिए 60 से घट के 55 हो गया और पब्लिक का शेयर 40 के घट के 35 हो गया। तो अब ये जो 10 शेयर जो चला गया ये क्या हुआ, एक्चुअली क्या होता है कंपनी का किसी भी कंपनी का बुक्स में हमेशा कैश रहता है, क्योंकि हर साल मान लीजिए जो कंपनी प्रॉफिट करता है तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसके पास कैश हिसाब से रह जाता है। कैश से अगर कंपनी अपना ही शेयर को खरीद लेता है तो सिंपल क्या होगा, कंपनी का बुक्स में कैश कैश इन हैंड जो है कैश रिजर्व्स जो है वो घट जाएगा, और कंपनी मतलब वो कैश घट गया और उसके और उसी का कैश यूटिलाइज करके वो मार्केट में जो शेयर से भले ही वो पब्लिक के पास रह सकते हैं प्रोमोटर के पास रह सकते हैं वो शेयर भी उठा लिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कंपनी का शेयर 100 शेयर से 90 हो गया। अब जान लेते हैं कंपनी बायबैक मतलब किस तरीके से करता है। देखिए दो मेथड है इंडियन मार्केट में, नॉर्मली दो मेथड चलता है, एक तो है ओपन मार्केट बायबैक और दूसरा है टेंडर ऑफर। ओपन मार्केट बायबैक मतलब कंपनी एक डेट रेंज अनाउंस कर देगा, चलिए इस डेट से इस डेट में हम ओपन मार्केट से ही बायबैक करेंगे, जो सेपरेट विंडो से वो बायबैक कर लेता है। दूसरा होता है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर होल्डर्स है उसके पास एक ऑफर लेटर जाता है, टेंडर जाता है। तो जो जो एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब अब कंपनी कैसे डिसाइड करेगा कौन कौन उसका शेयर होल्डर है, इसके लिए एक कंसेप्ट आता है रिकॉर्ड डेट, मतलब उस डेट में जिसका जिसका नाम कंपनी का बुक्स पे रहेगा वही उनका एलिजिबल शेयर होल्डर है। नहीं तो हर दिन मतलब करोड़ों शेयर कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, मतलब हर दिन शेयर हाथ हाथ बदलते रहता है, इसीलिए कोई एक डेट फिक्स कर देता है। ये जो रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट है, एक्स डेट है, ये सिर्फ बायबैक ही नहीं बायबैक डिविडेंड राइट्स बोनस सब कुछ में इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक पूरा अलग से वीडियो ही बनाया जिसमें बोनस कवर्ड है और ये रिकॉर्ड डेट एक्स डेट, उस वीडियो आपको इस लिंक में मिल जाएगा ऊपर में, आप क्लिक कीजिए उसको। रिकॉर्ड डेट का पास रिकॉर्ड डेट के लिए आपके पास अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये जो टेंडर ऑफर है, टेंडर ऑफर में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें हर अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि देखिए मैं जीरोधा यूज करता हूँ, तो जीरोधा में जो कंसोल है उसमें एक सेपरेट सेक्शन ही है। तो उस सेक्शन में क्या है, जितना भी उस टाइम में बायबैक डीलिस्टिंग ऑफर फॉर सेल ये सब जितना भी चलता है तो वो सब का एक लिस्ट रहता है। तो अगर मैं एलिजिबल शेयर होल्डर हूँ उस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उस जीरोधा में उस जगह पे जाके मुझे शेयर देना पड़ेगा प्राइस में और मुझे टेंडर करना पड़ेगा।
तो जैसे जीरोधा में एक डिटेल ट्यूटोरियल भी है आपको वेबसाइट में, मतलब जीरोधा बहुत अच्छा से अपना स्क्रीनशॉट देके पूरा डिटेल ट्यूटोरियल दे दिया कि कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द अदर ब्रोकर्स, जो अलग अलग ब्रोकर्स, उनमें भी से ये होगा, ट्यूटोरियल्स होगा। अगर नहीं है तो आप अपना ब्रोकर्स को कॉन्टेक्ट करके आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कंपनी क्यों बायबैक अनाउंस करती है, उसके बाद हम शेयर होल्डर्स का बेनिफिट जानेंगे कि कंपनी क्यों अनाउंस करती है। सबसे पहला तो है यूटिलाइजिंग कैश रिजर्व्स। बहुत सारा कंपनी होता है कि जो मान लीजिए हर साल प्रॉफिट कर रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा कैश जमा हो गया। अब देखिए, कैश जब करंट अकाउंट में रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बैंक में फिक्स डिपॉजिट या किसी भी बैंक में या उसमें रहेंगे तो उस कैश ज्यादा रिटर्न नहीं देता है। इसीलिए आप देखेंगे जो आईटी कंपनीज है, टीसीएस, इंफोसिस, ये मतलब फ्रीक्वेंटली बायबैक करते हैं, क्योंकि ये सब कंपनीज का क्या है, ये सब कंपनीज का इन्वेस्ट करने के लिए भले ही हर साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज्यादा कैश आ रहा है, लेकिन उस कैश को कहाँ पे लगाएंगे? उसका ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी की चीज चीज में। तो इसीलिए बहुत सारे आईटी कंपनीज बहुत ही फ्रीक्वेंटली बायबैक करते हैं। बाकी सब कंपनीज भी ये अपना कैश जब बहुत ज्यादा हो जाता है और कैश इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब फैक्ट्री बनाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो बायबैक करता है। दूसरा तरीका है बूस्टिंग वैल्यूएशन। मतलब बायबैक से क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है कि कंपनी आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हम लोगों का शेयर अंडर वैल्यूड है। तो ये बायबैक से क्या होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन में बूस्ट मिलता है, ये पीई जो रेशियो है वो घट जाता है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कैसे घटता है। तीसरा है इफेक्टिव वे और ऑन टैक्सेशन टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। अब देखिए, कंपनी जब शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करता है तो इधर तो डिविडेंड के थ्रू करते हैं या तो बायबैक के थ्रू करते हैं। अब ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपका बैंक अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन ये डिविडेंड में ना बहुत ज्यादा मल्टी टायर टैक्सेशन है, बहुत ज्यादा ही टैक्स देना पड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्यों, कैसे? कि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करता है, मान लीजिए कंपनी का 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, अब 100 रुपया में से 25 से 30 रुपया कंपनी का टैक्स देना पड़ेगा। अब उस टैक्स के बाद बच गया मान लीजिए 70-75 रुपया बच गया। अब उस 70-75 रुपया का एक पार्ट आपको डिविडेंड के हिसाब से देगा। अब ये 70-75 रुपया का जो पार्ट डिविडेंड में देगा, पहले तो क्या होता था, उसमें डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, फिर वो डिविडेंड मतलब इन्वेस्टर्स के पास भी टैक्सेबल था। अब क्या हो गया, अब डीडीटी के बदले में क्या है, ये जो डिविडेंड है इन्वेस्टर के हाथ में पूरा के पूरा टैक्सेबल है। मतलब आपका जो भी आपका इनकम स्लैब वाइज आपको ये डिविडेंड इनकम में पूरा के पूरा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे, ये डिविडेंड जो आपको इनकम है इसमें कितना बार बार, पहले तो कंपनी दे रहा है प्रॉफिट में, फिर आप दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही मल्टी टायर टैक्सेशन है डिविडेंड में। लेकिन बायबैक में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए बायबैक बहुत ही टैक्स इफेक्टिव वे टू रिवार्ड द शेयर होल्डर्स। और चौथा है, और एक रीजन है कि मोर कंट्रोल ऑन द कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी का प्रोमोटर अगर उस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या होता है, उसका प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज होता है। जैसे ये जो ऊपर का स्लाइड में हमने दिखाया था, अब देखिए 100 शेयर में प्रोमोटर होल्ड कर रहा है 60 शेयर, मतलब 60% होल्डिंग। अब जब कंपनी का शेयर 90 हो गया, अब प्रोमोटर्स 60 ही रह गया, पब्लिक रह गया 30, तो ऑब्वियसली ये 60% से ये ऊपर बढ़ गया। तो बायबैक में अगर कंपनी का प्रोमोटर पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसका जो परसेंटेज होल्डिंग वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, कंपनी का कंट्रोल प्रोमोटर्स मतलब ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। तो अब देख लेते हैं कि शेयर होल्डर्स मतलब जैसा आप मेरा, शेयर होल्डर्स का क्या फायदा है। शेयर होल्डर्स का बहुत ज्यादा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि इससे तो कंपनी का फंडामेंटल इंप्रूव होता है। कैसे? ये जैसे हम पहले ही एग्जांपल पे बोला था कि बायबैक में क्या होता है, कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है मार्केट में वो घट गया। मतलब पहले था 100 शेयर, अब हो गया 90 शेयर। अब जैसे ये शेयर घट गया तो क्या होता है, उसका ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर वो इंक्रीज होता है। क्यों? ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब मान लीजिए प्रॉफिट सेम का सेम ही रहा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर घट गया तो ईपीएस बढ़ जाएगा, और जैसे ही ईपीएस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो पीई रेशियो है, पीई रेशियो घट जाएगा। मान लीजिए स्टॉक प्राइस अगर सेम ही है तो ऑब्वियसली ईपीएस अगर बढ़ गया तो पीई आपका घट जाएगा, मतलब वैल्यूएशन बूस्ट होगा। जैसे कि मैंने पिछला स्लाइड में मैंने बोला कि इट्स अ वे ऑफ टू बूस्ट वैल्यूएशन। फिर दूसरा क्या होता है कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आप अगर मेरा किताब पढ़े हो या कोर्स किए हो तो आपको पता है कि क्यों रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस रिटर्न ऑन इक्विटी। कैसे? क्या होता है कि बायबैक में क्या होगा, जो इक्विटी है, टोटल इक्विटी वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट सेम टू सेम रहा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो प्रॉफिट अगर सेम टू सेम ही रहा, इक्विटी घट गया, मतलब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वो
बढ़ गया। तो ये क्या है, बायबैक बहुत ही अच्छा तरीका है शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करने का, इवन बेटर देन द डिविडेंड। डिविडेंड में अब क्या होता है, डायरेक्ट कैश बैंक में आता है, तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगता है कि चलो इन्वेस्टर्स खुश हो, बहुत सारा कंपनी डिविडेंड हमेशा लेता है। लेकिन अब बात तो ये है कि डिविडेंड से भी ये जो बायबैक है वो बहुत ही बेहतर तरीका है और वो बहुत ही रिवार्डफुल है। इसीलिए आप अगर नोटिस करेंगे कि किसी भी कंपनी जब बायबैक अनाउंस करता है उसके बाद उसका स्टॉक प्राइस इंक्रीज होता है। ये अब हिस्टोरिकली बायबैक फॉलो कीजिए, ये आपको नजर में आएगा। अब सवाल है, शुड यू एक्सेप्ट बायबैक ऑफर, क्या आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? ऑब्वियसली हाँ, अगर बायबैक प्राइस, और हाँ बायबैक प्राइस जो होता है ये हमेशा करंट मार्केट रेट से ऊपर जाता है। कि जैसे मान लीजिए अभी करंट मार्केट में 100 रुपया में कोई शेयर ट्रेड हो रहा है, अब कंपनी नॉर्मली बायबैक अनाउंस करता है, ऐसा नहीं 100 रुपया में ट्रेड हो रहा है और 90 रुपया में बायबैक अनाउंस करेगा। वो नॉर्मली अनाउंस करते हैं 110, 120 या किसी भी ऊपर। तो अगर आपका मान लीजिए आपका परचेस हुआ प्राइस जो भी है 100 रुपये आपका परचेस प्राइस है और कंपनी आपको बोल रहा है 110 में आप वो खरीद लेगा, तो क्यों नहीं आप करोगे? आप पकड़ लीजिए मार्केट प्राइस भी 100 रुपया है, तो मार्केट प्राइस से अगर 5-10% भी ऊपर है तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि ये जो तरीका है कि हमेशा मैंने देखा कि बायबैक के जरिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गेन नहीं होता है, लेकिन आप बायबैक फॉलो करके भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट होता है। एक बात और है कि डोंट इन्वेस्ट सिर्फ बायबैक को देख के, इन्वेस्ट मत कीजिए, बेसिक फंडामेंटल चेक, स्ट्रेंथ चेक कीजिए। बेसिक चेक मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप हम लोग, मेरा जो कोर्स है, ये जो वेबसाइट है www.prasanjitpal.com में पूरा वीडियो कोर्स मिल जाएगा कि कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक आप कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। बेसिक फंडामेंटल चेक आपको सिर्फ एक एक्सेल डाउनलोड करना पड़ेगा, बस उस एक्सेल में सारे के सारे हमने कुछ आप प्री फॉर्मेटेड कर दिया। तो उस बेसिक चेक में अगर फंडामेंटल्स मॉडरेट टू गुड हो तो आप ऑब्वियसली उसमें मतलब उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड है कीप ट्रैक ऑफ बायबैक्स, क्योंकि आपको नजर रखना पड़ेगा कि कौन सा कंपनी बायबैक अनाउंस कर रहा है। क्योंकि मैंने जो देखा हिस्टोरिकली, आप भी देख पाओगे कि ज्यादा से ज्यादातर कंपनीज का फंडामेंटल मॉडरेट टू गुड होता है। क्योंकि बहुत ही पुअर फंडामेंटल वाला कंपनी जिसका बुक्स में कैश ही नहीं है वो नॉर्मली बायबैक अनाउंस नहीं कर सकता है, उसी कंपनी बायबैक्स अनाउंस करता है जिसका फंडामेंटल मॉडरेट से गुड हो। तो इसीलिए आपको अगर 5 मिनट में किसी भी कंपनीज का फंडामेंटल पता चल गया तो आप तुरंत अकॉर्डिंगली उससे इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैंने ये जो करंट एग्जांपल एज ऑन करंट डेट, मतलब अभी नवंबर का डेट में कॉस्मो फिल्म्स बोल के एक स्टॉक है, वो अपना बायबैक अनाउंस किया 576 रुपया, 576, जो कि उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 450। कंपनी ने जब अनाउंस किया था 26 अक्टूबर को, फिर रिकॉर्ड डेट आया, मतलब किस उस डेट में 9 नवंबर 2020 में जिसके जिसके पास शेयर्स होगा उसी मतलब उन लोग ही बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली मेरे पास मान लीजिए 100 शेयर है, ऐसा नहीं कि 100 का 100 ही शेयर में बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाता, उसका एक परसेंटेज होता है। मान लीजिए कंपनी का ओवरऑल परसेंटेज का जो शेयर से उसका 5% ले रहा है, तो मेरा अगर 100 का मैं 5% शेयर ही मैं बायबैक में दे सकता हूँ। और ये जो बायबैक विंडो उन्होंने कॉस्मो फिल्म्स ने अनाउंस किया कि 27 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। तो इस विंडो में आप अगर जैसे मेरा अकाउंट जीरोधा में, मैं जीरोधा में जाके कंसोल में मेरा जो शेयर्स एलिजिबल शेयर्स वो मैं कंपनी को ऑफर कर सकता हूँ, कितने में, 576, जो कि मेरा मार्केट प्राइस है 450-460 काइंड ऑफ। तो मेरा जो एक जो शेयर्स है वो मैं तुरंत कंपनी को देके मतलब मेरा 25-28% तक गेन ऐसे ही हो गया, तो क्यों मैं पार्टिसिपेट ना करूँ। रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको जिसको 9 नवंबर के पहले जिसका डीमैट में शेयर्स इंक्लूडेड है उन्हीं को मतलब कॉस्मो फिल्म्स का बायबैक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आपका रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है, ये रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस बायबैक डिविडेंड सब में लगता है, तो इसके लिए पूरा मेरा डिटेल्ड एक वीडियो है जो कि बोनस भी कवर कर रहा है, अभी ऊपर दिया हुआ लिंक में आप क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बायबैक के बारे में किसी भी तरीका का क्वायरी हो, किसी भी सवाल हो, तो आप कमेंट में डालिए अपना क्वायरी, मैं खुद आपका उस क्वायरी को रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो आपका ये जो वीडियो है वो आप फेसबुक में, ट्विटर में या किसी भी सोशल नेटवर्क पर आप शेयर कीजिए, आपका दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बायबैक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी एक कॉन्सेप्ट है। और ये पहली बार मैं ये वीडियो ऐसा बना रहा हूँ कि जिसमें विजुअल्स इंग्लिश में हो और मेरा वॉइस हिंदी में हो, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मतलब ये इंग्लिश हिंदी कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ जो जिसको हिंदी समझ में नहीं आता या जिसको इंग्लिश समझ में नहीं, सब के सब मतलब इस वीडियो का जो कॉन्टेंट है वो क्लियरली समझ में आए। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आप ज़रूर इसमें भी कॉमेंट में बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा,
इंग्लिश इन विजुअल्स एंड हिंदी का वॉइस। और ये जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं दूंगा। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, सिर्फ फ्री में आप एक सब्सक्राइब लिंक में दबा दीजिए और उसके बाद बेल आइकन में दबाइए, ताकि जितना भी जैसे कि वीडियो आएगा वो वीडियो आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही है, स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई विल कम बैक विथ अनदर इंसाइटफुल वीडियो इन द कमिंग डेज। हैप्पी इन्वेस्टिंग।